तो अपने पति से पूछ के आइए ना। मुझे यहाँ आने के लिए अपने पति से या किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। वापस ले लीजिए। अम्मी से बोला वो हूँ, अभी भी मैं एक भल्ला हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ नमन। सॉरी यार। रोलिंग कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी इस घर से जुड़ी हूँ, एक भल्ला हूँ मैं। और तो और मम्मी जी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ, और मैं सिर्फ रमन की पत्नी नहीं हूँ। आप मुझे बताइए, क्या किसी और का मोहताज है हमारा रिश्ता? मम्मी जी, रमन और पापा जी के बीच जो भी हुआ, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो उस चीज की? रमन ने अपने डिसीजंस लिए, पर आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं खुद से? क्या हम दोनों सिर्फ सास बहू हैं और कोई रिश्ता नहीं हमारा? रमन ने गलत किया, लेकिन मम्मी जी, मैंने अगर उनका साथ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा पहले कितने अच्छे फीलिंग हुई थी पिछले उसमें। रेडी रेडी करो। वैसे बोला हार्ट भी है तो थोड़ा सा इससे गुस्सा हल्का सा। मैं मानती हूँ कि रमन से गलती हुई है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो गुस्से में लिया, ईगो में आके उन्होंने घर छोड़ा। मम्मी जी, मैंने उनका साथ दिया क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगी। वो गलत थे मम्मी जी, लेकिन क्या आपने मान लिया कि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा ऐसी रहेगी? आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है, आपने होने दिया अपने बेटे को अपने से दूर? मान लिया कि वो दूर रह सकते हैं आपसे? वो आपके बेटे हैं मम्मी जी, यू नो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि वो इस परिवार से दूर नहीं रह सकते, वो अंदर से जल जाएंगे बुरी तरह से मम्मी जी, वो नहीं रह सकते आपके बिना। मम्मी जी, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना इस परिवार से दूर। मैं ठीक करना चाहती हूँ सब कुछ, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। मम्मी जी, आपको याद है आपने मुझसे एक बार कहा था कि जय शीता शेरनी बन के अपनी रूही को वापस लेकर आ। हम दोनों ने मिलके शगुन को इस घर से बाहर निकाला था खदेड़ के, दोनों ने मिलके। आज मम्मी जी, एक शेरनी को दूसरी शेरनी की जरूरत है। अकेले एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी, हमारा घर बिखर रहा है मम्मी जी, हम सब अलग हो रहे हैं, मैं अकेले इस घर को नहीं जोड़ पाऊंगी, मुझे जरूरत है आपकी। मैं आपसे मांग भी रही हूँ, रेडी यहाँ से। मैं हक से आपसे कह रही हूँ कि आप साथ दीजिए मेरा। आज हम तभी बदलाव ला पाएंगे अगर एक साथ, यहाँ से लेते हम एक बदलाव तभी ला पाएंगे मम्मी जी, जब एक सास अपनी बहू से हाथ। आपने हाथ को देखा, मुझे लग रहा है काका का मुस्कान थोड़ा सा जो पड़े, क्या सोच रहे हैं आप, क्या करूं? आप मुझे शिकायत हो गई बोल रहे हैं। मैं मम्मी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सब ठीक कर देंगे मम्मी जी, मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत है।
सच में हौसला बढ़ गया मेरा मम्मी जी. थैंक यू. थैंक यू पुत्र. माता रानी तेन खुश रखे.